हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन। तो अगर आपने इंटीग्रेशन की थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो मैंने एक वीडियो लेक्चर सेपरेट बना रखा है थ्योरी के ऊपर, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे JEE या नीट, तो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और जो डिफ़िकल्टी रेटिंग होगी हमारे क्वेश्चन के साथ वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो काफ़ी बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 to 10 जो होगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जो फिजिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इंटीग्रल ऑफ x^n dx। ये हम लोगों को पता है, दिस इज इक्वल टू x^n+1/(n+1)c। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया हुआ वो एक डेफिनिट इंटीग्रल दिया हुआ है। डेफिनिट इंटीग्रल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को लिमिट जो है वो डिफाइंड है 0 to π। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, i = 0 to π (π/2) - t²/2 dt। ठीक है, तो पाई बाई टू, पहले पाई बाई टू तो एक कांस्टेंट है, तो पाई बाई टू को इस तरह से बाहर निकाल दिया, और टी, ये जो टी है तो टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा t^2/2, ये हो गया माइनस। अब 1/2 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेट करना मुझे t², तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t^2+1 (3)/2+1 (3). तो ये इफेक्टिवली मेरे पास आ गया π t²/4 - 1/6 t³, और लिमिट मुझे रखना है 0 to π। इस केस में भी लिमिट होगा 0 to π। तो सबसे पहले पाई पुट कर देते हैं सब में, तो ये हो जाएगा π/4 (π²) - 1/6 (π³। ठीक है, माइनस अब मैं लिमिट 0 पुट कर दूंगा, तो 0 पुट करते हुए ये फर्स्ट टर्म देखो, ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली मेरे पास आ गया π³/4 - π³/6, विच इज इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, और 3π³ - 2π³ विच इज इक्वल टू π³/12। तो यहाँ से हमको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे दिया हुआ है i = ∫(3x+2)³dx। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाला है, ∫(x^n dx) = x^n+1/(n+1), और चूंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3x+2, तो कुछ इस फॉर्मेट में है ax + b^n dx। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जो करने जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक सिंपल सा फंडा है कि सिंपल इसको समझ लो ax + b x है। ठीक है, अगर ये x है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x^n+1/(n+1)। अब चूंकि ये x नहीं है, ax + b x नहीं है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 करके उसको डेरिवेटिव यहाँ पर नीचे लिखना है। दैट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है ax + b का उसको नीचे हम लोगों को लिखना है। तो ax + b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a। तो ये सिंपल मेरे पास इस केस में हो जाएगा 1 ax + b^n+1/(n+1)। बहुत ही आसान है, सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो i = यहाँ हो जाएगा, पहले हम लोगों को समझ लेना है 3x + 2 x है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x + 2^(3+1)/(3+1)। सिंपल इसी फंडे से इंटू 1 अपॉन, अब 3x + 2 का हमको डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। अभी 3x + 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x + 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये हो जाएगा 3x + 2^(3+1)-4)/(3+1)-, यहाँ पर भी 4 × 3। तो ये हो जाएगा 3x + एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छूट गया, यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल लो, 3x + 2^4)/(12+c). तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे i1 दिया हुआ है, वो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो i2 हुआ है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एज सच हमको sin²x या cos²x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, हमको जो इंटीग्रेशन पता है वो इंटीग्रल ऑफ sin x dx पता है, विच इज इक्वल टू -cos x
प्लस सी, और दूसरा हमको पता है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, ये दो चीज़ हमको पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को कुछ हम लोग साइन एक्स या कॉस एक्स के टर्म में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं इस, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। उसी तरह हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, मैं जस्ट एक ये बता देता हूँ ये कहाँ से आया। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ टू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, और मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्लास इलेवेंथ में आप लोग पढ़ोगे कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं इस फॉर्मेट में कॉस एफ एक्स प्लस एक्स को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स को लिख सकता हूँ मैं इसमें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं कॉस ऑफ टू एक्स को अगर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स का टर्म चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो सबको पता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज़ मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस ऑफ टू एक्स इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस जगह से फाइनली सिंप्लीफाई करने पे मुझे ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कॉस टू एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, तो मुझे ये दूसरा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स में आज नहीं तो कल आप लोगों को पढ़ना है, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू। उसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू। तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई वन मैं इस तरह से लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ वन बाई टू माइनस कॉस ऑफ टू एक्स बाई टू इसका डी एक्स, ठीक है। अब वन बाई टू का इंटीग्रल क्या होता है, वन बाई टू का इंटीग्रल हो जाएगा वन एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है। अब कॉस ऑफ टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये हो जाएगा पहले समझ लो कॉस ऑफ एक्स है, 2x को समझ लो कि x है, cos ऑफ x, cos ऑफ x के क्या हो जाता है sin x, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाई, अब जिसको तुमने x समझा था उसका डेरिवेटिव ले लो, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो इससे मेरे पास में आ जाता है x बाई टू माइनस वन बाई फोर साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब i2 अगर मुझे निकालना हुआ तो बस ये जो माइनस है इसके जगह में ये प्लस है, यहाँ वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू है, यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ, सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, x बाई टू प्लस वन बाई फोर साइन ऑफ टू एक्स, ठीक है। बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ही तो आया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फोर टू टेन है वो फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल हुज वेलोसिटी वी, यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन वी इक्वल्स टू टू टी प्लस थ्री, और एक कंडीशन दी हुई है इफ एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोगों को पोजीशन फाइंड करना है टी इक्वल्स टू टू सेकेंड पे। तो एक चीज जो आप लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे या अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा थ्योरी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक्सट्रैक्ट बता दे रहा हूँ कि क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डी एक्स बाई डी टी, अगर x को मैं पोजीशन बोल रहा हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल्स टू बी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा,
डी वी बाई डी टी हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये डिटेल में काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने कवर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बस रिजल्ट ध्यान रखो, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी एंड डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, दैट इज ए। तो लोग हम मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इज वी, ठीक है, और डी वी बाई डी टी इज ए। अच्छा, अगर इसको मैं इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ इसको, तो क्या लिख सकता हूँ, डी टी को उधर भेज दो, डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दो, ठीक है। ये तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वी डी टी, ठीक है। और इस केस में भी सेम वही करो, इक्वल्स टू ए डी टी, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। तो इस तरह से हम लोग, अगर मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, मैं पोजीशन निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास पोजीशन दिया हुआ है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी पार्टिकल का मेरे पास दिया हुआ है डी टी बाई थ्री, तो हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज वी, सिंपल है। तो वेलोसिटी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ डी एक्स बाई डी टी, एक्स मैंने क्या बताया यहाँ पे, पोजिशन है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू टू टी प्लस थ्री। अब मैं क्या करूँगा, डी टी को उधर ले जाऊँगा, तो डी एक्स इक्वल्स टू टू टी प्लस थ्री डी टी, इंटीग्रेट करो, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स, और अब टू टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस, ठीक है, थ्री का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थ्री टी, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब इस कॉन्स्टेंट को हम लोग कैसे रिप्लेस करें, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग कैसे हटाएं, तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए ये एक देखो कंडीशन दी हुई है, इफ एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू जीरो पुट करो और एक्स इक्वल्स टू जीरो, उससे मेरा कांस्टेंट निकल जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट किया, टी इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, और ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट यहाँ से मेरे पास जीरो आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस थ्री टी, ठीक है, ये फाइनल मेरे पास आ गया। अब मुझे पूछा है पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू टू सेकेंड, तो यहाँ पर टी इक्वल्स टू टू सेकेंड में मैं अगर पुट करता हूँ तो मुझे पोजीशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, दैट इज टू स्क्वायर इज फोर एंड थ्री इंटू टू इज सिक्स, विच इज इक्वल टू टेन मीटर। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई इक्वेशन दिस, ये मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का इक्वेशन मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू वन सेकेंड, ठीक है, इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझे बोला गया, दैट मीन्स एट टी इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी इक्वल्स टू टू मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी बोला गया तो मुझे टाइम इक्वल्स टू जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी, अभी हमने देखा था ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ये तो एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो ए को मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ से डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, और अब मैं t को उधर ले जाता हूँ, t स्क्वायर प्लस 2t dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो dv का इंटीग्रल इज v इक्वल्स टू t स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t क्यूब बाई थ्री प्लस 2 इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो v मेरे पास फाइनली आ गया t क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, विच इज इक्वल टू, अब मैं इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा एट t इक्वल टू जीरो v इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v को मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू t को जीरो पुट करना है मुझे, तो t जीरो हो गया प्लस जीरो प्लस सी, दैट मीन्स यहां से मेरे पास c आ गया 2। अब मैं c को 2 पुट करता हूं तो v मेरे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर प्लस टू, ये इक्वेशन आ गया,
और मुझे बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन है. अब मुझे टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे चाहिए, तो मैं टी इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा इसमें. तो टी इक्वल्स टू 1 पुट करने पे ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2+1 3 प्लस 1/3 3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 10/3 10/3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन बी इक्वल्स टू 3x² प्लस एक्स मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर. ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, अभी हम लोग इसको ऐसा करके नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि डी एक्स बाई डी टी निकाल दिए इक्वल्स टू 3x² प्लस एक्स करके इसको सॉल्व कर रहे हैं. नहीं, हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन. हम लोगों को तो यहाँ से एक्स मिलेगा अगर इसको सॉल्व कर भी लिया तो. ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें इस तरह से करेंगे. हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो अब मैं एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो ये इफेक्टिवली तो ये यही हुआ ना, डी वी बाई डी टी. इफेक्टिवली ये डी वी बाई डी टी हुआ. तो एक्सेलरेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इज माई वेलोसिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. अब मेरे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा v, वेलोसिटी इज व्हाट 3x² प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स. तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस x विच इज इक्वल टू 3x² प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस x इज 6x प्लस 1. ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए x इक्वल्स टू 2 मीटर पे, तो मैं x इक्वल्स टू 2 पे ये x इक्वल्स टू 2 रखूंगा इस इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा 3 × 2² प्लस 2 इंटू 6 × 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 × 4 = 12 प्लस 2 इंटू 6 × 2 = 12 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14 × 13 विच इज इक्वल टू 182. अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी जगह पे यूज़ होगा फिजिक्स में, बहुत जगह पे, खास करके कि अगर आप रोटेशनल मोशन पढ़ने जाते हो, रोटेशनल डायनेमिक्स, तो उस केस में आपको लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. ठीक है, तो ये एक्चुअल मायने में अगर बोला जाए तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज़ होता है. तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मास डेंसिटी क्या होता है. ठीक है, तो मास डेंसिटी टोटल 3 तरह के मास डेंसिटी डिफाइंड है. जो पहली टाइप है वो है लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से. ठीक है, उसका यूनिट जो होता है, यूनिट से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. इसका यूनिट होता है मास पर यूनिट लेंथ. अगर मेरा कुछ सपोज कुछ लेंथ है, एक रॉड है, समझ लो एक रॉड है जिसका कि थिकनेस बिल्कुल जीरो है. ये अगर ये टी बोलता बोलूँ मैं टी, तो हम लोग इसका थिकनेस जो जीरो कंसिडर करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो, एकदम पतला सा रॉड है. ठीक है, उसका लेंथ सिर्फ होगा, वन डायमेंशन में एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एल. उसका जो हाइट है और उसका विड्थ है हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हम लोग ऐसा समझ रहे हैं एक पतला सा रॉड है जिसका सिर्फ लेंथ है. अब मैं बोलूँ कि उसका जो पर यूनिट लेंथ, अगर मैं एक यूनिट लेंथ इसमें से कंसिडर करूँ, एक यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब अगर सोचो ये 1 मीटर का मैं कंसिडर करता हूँ, तो 1 मीटर में इसका मास कितना केजी होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात बोलें, सपोज 10 kg/m, मतलब इस रॉड का अगर मैं 1 मीटर लूँ तो वो 10 kg का होगा. तो अगर मैं एक एल लेंथ का रॉड लेता हूं तो उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ लेंथ एल ऑफ दिस रॉड ऑफ रॉड, तो उसका हो जाए, उसका मास हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ रॉड एल. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ
इज मास, तो मास पर यूनिट लेंथ हमारा लैम्डा है और लेंथ हो जाता है एल। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं एक रॉड है जिसका लेंथ एल है और उसका जो हाइट है और विड्थ है वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में मास पर यूनिट लेंथ, या इसको हम लोग बोले लीनियर मास डेंसिटी, इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, अब जो दूसरी मास डेंसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है एरिया मास डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसके एक मीटर स्क्वायर में कितना केजी है। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू 10 केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसके एक इसके यूनिट एरिया में इसका मास होगा 10 केजी। ठीक है, यूनिट एरिया का मास कितना है। तो इसमें हम लोग हमारा जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सपोज कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रॉड नहीं, मैं रॉड का एग्जांपल ले रहा हूं। ये लेंथ सपोज मेरे पास एल है और कुछ ये ब्रेथ इसका बी है ऐसा समझो। ठीक है, अब मैं इसका एक यूनिट एरिया लेता हूं, यूनिट एरिया है ये, तो यूनिट एरिया का मास कितना है, यूनिट एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर इसका मास कितना है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिग्मा से। सिग्मा जो है मेरे पास दिया हुआ है एरिया मास डेंसिटी, उसको मैं अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मुझे टोटल इसका मास मिल जाएगा, सिग्मा इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी इसका एरिया हो गया और सिग्मा इसका एरिया मास डेंसिटी हो गया। तो ये जो है सिग्मा वो तो आ गया मेरे पास के जी पर मीटर स्क्वायर, और ये जो होगा दैट इज मीटर स्क्वायर, तो के जी पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, देखो ये जो टर्म है वो के जी में आ जाएगा। अब जो तीसरी तरह की मास डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है के जी पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को तो हम लोग डे टू डे लाइफ में मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी, तो वो हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है पर मीटर क्यूब, इसका मास के जी में कितना है, तो ये कुछ भी ऐसा हो सकता है 10 के जी पर मीटर क्यूब अगर है। और मैं बात करूँ सपोज मेरा एक एक बॉडी है जिसका दिया हुआ है वॉल्यूम मास डेंसिटी है 10 के जी पर मीटर क्यूब, और उस बॉडी का टोटल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम समझ लो 2 मीटर क्यूब है, तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि रो इंटू वॉल्यूम जो देगा वो मुझे उसका बॉडी का मास दे देगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा मास, मास हो जाएगा 10 के जी पर मीटर क्यूब इंटू 2 मीटर क्यूब, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 20 के जी। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अगर मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है तो अगर मैं लेमडा को लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मास मिल जाएगा, अगर मुझे एरिया मास डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है तो मैं सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे इसका मास मिल जाएगा बॉडी का, और मुझे अगर रो दिया हुआ है दैट इज़ वॉल्यूम मास डेंसिटी तो रो को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है रॉड ऑफ लेंथ एल हैज इट्स लीनियर मास डेंसिटी लेमडा सच दैट लेमडा इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द मास ऑफ द रॉड। तो मेरे पास रॉड कुछ इस तरह का है जिसका विड्थ जो है दैट इज नेग्लिजिबल, हम लोग सिर्फ उसका लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, रॉड ऐसा रखा हुआ है, ये एक्स इक्वल्स टू जीरो है समझ लो और ये एक्स इक्वल्स टू एल है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे पास, लेमडा जो है ए प्लस बी एक्स, तो अगर मेरा लेमडा अगर कांस्टेंट रहता तो मुझे मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं लेमडा इंटू एल कर देता, लेमडा इंटू एल से मुझे टोटल मास निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि लेमडा जो है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ का लेमडा कुछ अलग है, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, सब जगह पे अलग अलग लेमडा है। तो अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो पे मैं बात करूँ तो लेमडा मेरे पास हो जाता है यहाँ से ए प्लस बी इंटू जीरो विच इज़ इक्वल टू ए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, और एक्स इक्वल्स टू एल रखता हूँ तो लेमडा कितना है मेरे पास ए प्लस बी एल। उसी तरह हर एक पॉइंट पर लेमडा चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोई एक्स डिस्टेंस एक कंसिडर करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा बहुत पतला सा स्ट्रिप लेता हूँ और उसकी स्ट्रिप का लेंथ कितना है डी एक्स।
अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं dx की, तो इस स्ट्रिप का अगर मैं मास निकालना चाहूं dm, मैं अगर उसको बोलता हूं छोटा सा मास उस छोटे से बिल्कुल छोटे से स्ट्रिप का, dx मतलब x स्टैंडिंग टू जीरो, तो उस केस में मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि उस dx लेंथ के लिए मेरा जो लेमडा है दैट इज कॉन्स्टेंट, और वो कितना है a प्लस bx है लेमडा इंटू, और उसका लेंथ जो dm हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू उसका लेंथ, तो उसका लेंथ मैंने क्या कंसिडर किया है dx, ठीक है। ये dm क्या हो गया मेरा इस छोटे से स्ट्रिप का, बहुत बहुत छोटा सा स्ट्रिप है उसका मास है, उसका मास के लिए क्या करेंगे हम लोग उसका लेमडा इंटू उसका लेंथ कंसिडर करेंगे, तो लेमडा मेरे पास a प्लस bx दिया हुआ है और उसका जो लेंथ है हम लोग बहुत छोटा लेंथ एज्यूम किए हैं, तो वो कितना हो गया dx, और इसी को मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल मास आएगा। तो इंटीग्रेट में जो कहां से कहां करना पड़ेगा, जो मास है वो x इक्वल्स टू जीरो पे तो जीरो है, और मास x इक्वल्स टू l पे m मैं कंसिडर कर रहा हूं, टोटल मास इज m, ठीक है। उसी तरह मेरे पास x कहां से कहां तक वैरी करेगा, x जीरो से वैरी करेगा और कहां तक जाएगा l तक जाएगा, तो इस तरह से मैं लिमिट पुट करता हूं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास dm का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज m, विच इज इक्वल टू, अब a प्लस bx का इंटीग्रेशन हमको आता है, a का हो जाएगा ax और b इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है जीरो टू l तक, तो अगर मैं जीरो अगर मैं l पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली आ गया ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू, तो टोटल इस रॉड का जो लेंथ है वो आ जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट पे, तो फाइंड आउट एरिया ऑफ अ डिस्क यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कंसिडरिंग रिंग एज एलिमेंट। तो सबको पता है कि डिस्क क्या होता है, डिस्क एक टू डी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो समझ लो ये डिस्क है मेरे पास, ये डिस्क हो गया, ठीक है। अब डिस्क में डिस्क का एरिया मुझे निकालना है, तो डिस्क का एरिया तो मुझे पता ही है क्या होता है, अगर मैं एक आर रेडियस की डिस्क की बात कर रहा हूँ तो इसका रेडियस ये हो जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन मुझे ये निकालना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं कैसा कर रहा हूँ कि एक रिंग एलिमेंट में लूँगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक रिंग है, इसके अंदर एक रिंग रखा हुआ है, तो मैं इस रिंग से कैसे इसका एरिया निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बहुत सारे रिंग का एरिया को ऐड करता जाऊँगा, इस रिंग का एरिया, फिर इसका अगला, फिर ऐसा फिर ये रिंग कंसिडर करूँगा ये रिंग, तो ऐसा मैं रिंग बढ़ाता जाऊँगा, ऐसा करते करते मैं इधर तक पहुँचूँगा। तो मुझे अगर इस सारे को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो मुझे डिस्क का टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्क ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और ये रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं सपोज एक छोटी सी दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे एक रिंग कंसिडर करता हूँ इसके अंदर, डिस्क के अंदर ही, ठीक है। अब ये रिंग है, रिंग को ध्यान से देखो, और इसका जो रिंग का जो थिकनेस मैं कंसिडर करता हूँ, चलो बहुत पतला सा थिकनेस है इसका, ये मैं बड़ा बना रहा हूँ बट बहुत पतला सा थिकनेस है इसका, डी आर टेंडिंग टू जीरो, बहुत पतली सी रिंग है, ठीक है। और मैं इसका बोलूँगा कि ये एरिया मेरे को निकाल के दो, ये छोटी सी रिंग का एरिया मुझे निकाल के दो, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, तो ये एक, और काट के मैं इसको खोल देता हूँ, जो रिंग है उसको मैं अगर काट के खोल देता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस होगी वो तो dr होगी, लेकिन उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये देखो इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2πr, क्योंकि पेरीमीटर इस रिंग का 2π स्मॉल r है, ठीक है। इसकी थिकनेस है dr, ठीक है, जो हम लोग ने ये स्ट्रिप बनाई, स्ट्रिप को मैंने काट के खोल दिया है और उसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल एरिया मेरे पास कितना आ गया इससे, 2πr इंटू dr, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। तो मैं इस एरिया, ये छोटा सा एरिया है, इसको मैं dA बोल देता हूँ क्योंकि dr मेरा बहुत पतला है, ठीक है। तो एरिया को मैं dA बोल देता हूँ, dA इज 2πr
dr, ठीक है। अब मैं इसी चीज को, ये जो एलिमेंट है, इसको मैं r इक्वल्स टू जीरो से लेके r इक्वल्स टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे हर जो मतलब ऐसा ऐसा जो भी रिंग बन रहा है उसका सम करके वो दे देगा, ठीक है। बहुत सारे रिंग बनेंगे, उस सारे रिंग का सम मुझे दे देगा। अगर मैं डी ए इक्वल्स टू जो भी एलिमेंट मैंने लिया है 2 पाई आर डी आर को, ठीक है, जीरो टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये मुझे एरिया का सम देगा, तो मेरा एरिया जीरो टू ए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया इक्वल्स टू मिल गया, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 पाई, तो मेरा कांस्टेंट है, R का हो जाएगा R स्क्वायर बाई 2, और ये जाएगा 0 टू कैपिटल R, तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, एरिया मुझे यहाँ से पाई R स्क्वायर मिल गया। तो एक छोटा सा हमने रिंग एलिमेंट लिया, रिंग एलिमेंट को हमने वेरी कराया उसका रेडियस फ्रॉम R इक्वल्स टू 0 टू R इक्वल्स टू कैपिटल R, और सबका हमने सम कर दिया इंटीग्रेट करके। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द टोटल मास ऑफ अ डिस्क रेडियस R इफ मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इज गिवन बाई सिग्मा इक्वल्स टू 2 प्लस 3 R स्क्वायर। तो ये जो हमने पढ़ा था एरिया मास डेंसिटी पढ़ा था, एरिया मास डेंसिटी, ये क्या था मेरे पास, केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट एरिया का मास कितना होता है। तो यूनिट एरिया का मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसका एरिया मास डेंसिटी इंटू एरिया अगर हम लिख लेते हैं, दैट इज मास, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया मास डेंसिटी इंटू एरिया। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो चीज है एरिया मास डेंसिटी हर एक जगह पे वेरी कर रहा है, एरिया मास डेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है, वो हर एक आर के साथ, देखो वो आर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आर स्क्वायर। तो चलो हम लोग पहले एक डिस्क लेते हैं, डिस्क है, इसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक अगर हमने यहां से रिंग लिया, ठीक है, एक रिंग एलिमेंट लिया और रिंग का थिकनेस लिया हमने dr, और ये जो लिया हमने R रेडियस का एक रिंग लिया। अगर मैं इस R रेडियस का रिंग लेता हूं तो इस जगह पे मुझे सिग्मा क्या मिलेगा, सिग्मा इक्वल्स टू मिलेगा 2 प्लस 3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जगह पे मुझे सिग्मा R, सिग्मा मेरा जो मिल रहा है 2 प्लस 3 आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस रिंग का एरिया मुझे निकालना है और इसको मुझे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो मुझे एक छोट इस एलिमेंट का, इस रिंग एलिमेंट का मुझे मास मिल जाएगा। तो मैं बात करूंगा dm, जो रिंग एलिमेंट जो हमने यहां पर करके रखा है, dm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। इसको समझ लो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से कट कर देंगे, कट करके एक स्ट्रिप को खोल देंगे, इस स्ट्रिप को कट करके खोल दिया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसका, दैट इज 2 पाई आर होगा, और इसका जो स्ट्रिप का जो विड्थ है वो हो जाएगा डी आर, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर विच इज इक्वल टू डी एम। अब मैं क्या करूंगा, इस आर को आर इक्वल्स टू जीरो से आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक वेरी करूंगा, R इक्वल्स टू जीरो से R इक्वल्स टू कैपिटल R तक। तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने ये सर, R इक्वल्स टू जीरो से R इक्वल्स टू कैपिटल R तक, ठीक है, और ये मास जीरो टू M हमने वेरी किया। तो यहां से मुझे मिल गया सिग्मा, सिग्मा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस 3 R स्क्वायर इंटू 2 पाई R डी आर फ्रॉम R इक्वल्स टू जीरो टू R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया, 0 टू R, ये 2 पाई तो कॉम 2 पाई तो बाहर निकल गया, और ये बन जाएगा 2 इंटू R प्लस 3 R क्यूब डी आर, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, 2 पाई कांस्टेंट है, अब मैं लूंगा 2 R का इंटीग्रल, 2 R का इंटीग्रल हो जाएगा 2 R स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू R क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा R रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और ये 0 टू R तक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया मैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया प्लस 3/4 इंटू आर रेज टू पावर 4 माइनस, अब इसमें आर की जगह पे जीरो रख दो तो सारा चीज़ जीरो हो जाएगा, तो ये बन गया 2π इंटू आर स्क्वायर प्लस 3/4 आर रेज टू पावर 4। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो मुझे इवेल्युएट करना है ये इंटीग्रल यूजिंग एरिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्रू ग्राफ, ग्राफ से हमको करना है। अगर मुझे सिंपल अगर करना रहता तो ये हो जाता मेरे पास i = इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x dx विच इज इक्वल टू x² / 2 फ्रॉम 2 to 3। अब लिमिट अगर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 4/2 विच इज इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5, ठीक है। अगर मैं ग्राफ से सॉल्व करना चाहूँ तो इंटीग्रल x dx, तो मेरा फंक्शन क्या है x, तो मैं y = x पुट प्लॉट करता हूँ पहले, तो y = x इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। ये मेरे पास x है, ये y है, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये अगर 0,0 है तो y = x के ग्राफ में ये 1,1 आएगा, ये 2,2 आएगा, ये 3,3 आएगा, ठीक है। तो मुझे निकालना है 2 से 3, तो ये मेरे पास समझ लो 2,0 है और ये समझ लो 3,0 है, तो मुझे ये वाला बेसिकली इंटीग्रल, ये इंटीग्रल निकालना मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस तो को इस तरफ से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये जो है मेरा आ जाएगा 0,2 क्योंकि y = x का ग्राफ है, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0,3 क्योंकि ये पॉइंट 1, ये 2,2 पॉइंट है, ये पॉइंट 3,3 है, ये 1,1 है, ये 0,0 है, बिकॉज इट इज़ y = x का प्लॉट है ना, दिस इज y = x, y जितना x उतना, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर इसका एरिया निकालना है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ये एरिया नंबर फर्स्ट में बोलता हूँ, एरिया नंबर सेकेंड। तो एरिया फर्स्ट अगर निकालना मुझे तो टोटल एरिया जो लिखूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड, इस तरह से लिखूंगा। अब एरिया ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है मेरे पास 1 दैट इज 3-2, और ये जो लेंथ है ये भी मेरे पास 3-2, ये भी 1 है, तो इसका बेस 1 है ट्रायंगल का और हाइट भी 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ 1/2 × 1/1 प्लस एरिया ऑफ टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये जो हाइट है दैट इज 2 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी 2 है, और ये जो लेंथ है दैट इज 1, तो सिंपल एक रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 2 × 1 विच इज इक्वल टू 1/2 + 2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से हम लोग दोनों क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, एक हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला और एक एनालिटिकल मेथड से निकाला है, तो दोनों सेम है। तो इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट थ्योरी वीडियो बना रखा है, एक कंप्लीट एक लेक्चर में, एक घंटे का वो वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो देख लें, वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पे वो वीडियो है, तो आपको उसमें इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। आपको उसका जो लिंक है, इंटीग्रेशन के जो लेक्चर का लिंक है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको देख लें। ओके, थैंक यू।